हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज की बात जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ऐसे हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव, यहाँ हम लिखे हैं ध्यान देंगे थोड़ा, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। ये इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बच्चे जानते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष है, जैसे व्हाट मीन्स क्या, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहा, ये सब आप लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ ये नॉर्मल सा वर्ड मीनिंग है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसी में कुछ विशेष इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है या इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो आज हम लेकर आए हैं। इसको मैं समझाना चाहता हूँ वन बाय वन करके, और बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे ट्रांसलेशन या बड़े बड़े ट्रांसलेशन जब बनाते हैं उसमें इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है, और वैसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स साधारण ढंग से व्हाट हाउ वेयर व्हेन ये सब याद किए रहते हैं, और वैसी परिस्थिति में ऐसे बातों को बोलने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि ये कठिनाइयां आज के बाद आप लोगों को नहीं रहे, इन कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़े, और बहुत बारीकी से इसको देखिए और नोटबुक में नोट करेंगे, अलग से याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप लोग बहुत हद तक जानते होंगे, लेकिन उसमें कुछ नए है, नए यानी आप लोगों के लिए नहीं, सबके लिए नहीं, ये तो सब बुक से ही होते हैं, बुक में मिल ही जाते हैं अगर पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है नॉर्मली, क्योंकि ऐसा हम अक्सर वाक्य बोलना चाहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब हमें याद नहीं करती है, हम नहीं जानते रहते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो यहाँ दिया गया है और बहुत इंपोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ आप लोग ध्यान देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए पहला है व्हाट इज, इसको हम बोलते हैं व्हाट इज, और क्या, और क्या हम किससे बोलते हैं ना, और क्या, तो व्हाट इज, व्हाट इज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। और कोई बोलता है कि यहां चले, ये करे, वो करे, और हम चाहते हैं अंग्रेजी नहीं बोलना, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। दूसरा क्या है, व्हाई नॉट, ध्यान देंगे, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तीसरा है एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, एंड व्हाट नॉट, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, और क्या नहीं। आगे देखिए सो व्हाट, तो क्या हम बोलना चाहते तो क्या, तो सो व्हाट, सो व्हाट, तो क्या, सो व्हाट, तो क्या। नेक्स्ट देखिए व्हाट नहीं, फिर क्या आ गया, तब क्या, ऐसे पूछते हैं तब क्या होगा, फिर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में व्हाट देन, व्हाट देन, फिर क्या या तब क्या। आगे चलिए व्हाट इवर, व्हाट इवर, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इवर, जो भी या जो कुछ भी, चाहे जो भी, हम अक्सर वाक्य में प्रयोग करते हैं चाहे जो भी ऐसे बोलते हैं, जो कुछ भी ऐसे बोलते हैं। यहाँ व्हाट इवर, व्हाट इवर, व्हाट इवर। आगे देखिए वेयर इज, वेयर इज, इसको हम पढ़ते हैं वेयर इज, वेयर इज, और कहाँ, वेयर इज, और कहाँ। आगे देखिए नो वेयर, कहीं नहीं, हम बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं, नो वेयर, नो वेयर, नो वेयर। आगे देखिए नो वेयर इज, नो वेयर इज, नो वेयर इज, कहीं और नहीं, नो वेयर इज, कहीं और नहीं। ये हम समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी तरफ पढ़े बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िए इसको, और लिखिए, नोट कर लीजिए इसको, अरे हमेशा काम आएगा। आई चलते हैं वेयर इवर, वेयर इवर, वेयर इवर, वेयर इवर माने जहां कहीं या जहां जहां। आगे देखिए वेयर एट, जिस स्थान पर, जिस जगह, अगर हम बोलना चाहते हैं जिस जगह पर या किस जगह, तो वेयर एट, वेयर एट। आगे देखिए वेयर इन, जिस स्थान पर या जिस, वेयर इन। यहां देखेंगे वेयर ऑन, जिस पर, वेयर ऑन, जिस पर। आगे है वेयर विथ, जिसके साथ, वेयर विथ, जिसके साथ। नेक्स्ट है वेयर एज, जबकि, वेयर एज, जबकि। आगे देखिए आगे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी दफा, कितनी बार या कितनी दफा, कितनी दफा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, कब तक, कब तक, कब तक। हाउ फार, ध्यान देंगे हाउ फार,
कितनी दूर, कितनी दूर। और इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं जो हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन याद रखिए हाउ डीप, कितना गहरा, हाउ वाइड, कितना चौड़। तो ऐसे हम बनाते हैं, याद रखिएगा ये वर्ड हम चाहते हैं यहां हम आपको ये वर्ड क्लियर नहीं बताए हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, ये अक्सर स्टूडेंट के सामने आता है याद करने के, क्योंकि ये बता दे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नोट करके याद करेंगे इसको। फिर से मैं एक बार बनाना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, री करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, व्हाट इज और क्या, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं, सो व्हाट, तो क्या, व्हाट दे, फिर क्या या तब क्या, व्हाट इवर, जो भी, जो कुछ भी, चाहे जो भी, यहां है वेयर एल्स, और कहां, यहां है नो वेयर, कहीं नहीं, नो वेयर एल्स, कहीं और नहीं, वेयर इवर, जहां कहीं या जहां जहां, जिसको जहां तहां बोलते हैं। फिर देखो व्हाट वेयर एट, जिस स्थान पर, वेयर इन, जिस स्थान पर, या वे, वेयर ऑन, जिस पर, या वेयर विथ, जिसके साथ, वेयर एट, जबकि, हाउ ऑफ़, कितनी बार या कितनी दफा, हाउ लॉन्ग, कब तक, हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार, कितनी दूर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं ये डब्ल्यू एच से जो भी प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव पढ़ाऊ कहता है, और ये जो डब्ल्यू एच है प्रश्न पूछने का काम नहीं, संबंध बताने का काम करता है, और प्रश्न कुछ नहीं पूछता है तो रिलेटिव पढ़ाऊ कहता है। ध्यान दीजिएगा ये डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव पढ़ाऊ रिलेटिव पढ़ाऊ दोनों का काम करता है, प्रश्न पूछ दिया तो इंटरोगेटिव रहता है और संबंध बताने का कार्य करता है वाक्य में तो रिलेटिव का काम करता है। तो ध्यान देंगे ये इंटरोगेटिव और रिलेटिव पढ़ाऊ से विस्तार है और इसको आप लोग बढ़िया से याद करेंगे, और मैं फिर अगले कड़ी में मिलूंगा अगले वीडियो के साथ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तब हम फिर आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, तब तक ये धन्यवाद।